वीर गति को प्राप्त होता है उसको पहले 2 लाख की राशि दी जाती थी, अपने साधनों से उसको 2 लाख की राशि देते थे। अब उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख किया है। जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके और उसके परिवार को हम पूरे मजबूती के साथ आर्थिक और बाकी मदद करें। आज संस्मरण दिवस के अवसर पर मैं बिहार पुलिस के 8 कर्मी एवं पदाधिकारी और पूरे भारतवर्ष के 188 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी नमन करता हूँ। संस्मरण दिवस इस बात का प्रतीक है कि पुलिस का कार्य जोखिम भरा है। अपराध से लड़ना हो, विधि व्यवस्था का संधारण हो, हमारे कार्य में जोखिम है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी व्यवहारिक कार्यकुशलता को और सुदृढ़ करें, प्रशिक्षण पे बल दें और साथ ही साथ जब भी ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटे तो जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके और उसके परिवार को हम पूरे मजबूती के साथ आर्थिक और बाकी मदद करें। जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष में हमने कल्याण के लिए कई निर्णय लिए हैं, जिसमें जो भी हमारा साथी कर्तव्य के दौरान वीर गति को प्राप्त होता है उसको पहले 2 लाख की राशि दी जाती थी। सरकार की राशि इसके अतिरिक्त है लेकिन हम अपने साधनों से उसको 2 लाख की राशि देते थे। अब उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख किया है और हम प्रयास करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो आर्थिक सहायता है जो उसके परिवार को जरूरत है उसको तुरंत मिले। इसके साथ ही जिस बैंक में आपके वेतन के खाता है उनके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सब प्रक्रिया को हम आगे और बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस राशि को और बढ़ाएं ताकि परिवार है जो उसको असल में उसी की परेशानी बढ़ती है जब उसका घर का सदस्य चला जाता है, तो उसको आर्थिक मदद हो, उसके आश्रितों को नौकरी हो, ये प्रक्रिया और सरल बने और सहज बने। संस्मरण दिवस इस बात का भी प्रतीक है कि हमको अपने कर्तव्य के प्रति और संकल्प लेना है और मजबूती से ये तय करना है कि चाहे अपराध हो, विधि व्यवस्था हो, हम अपने कर्तव्य के प्रति मजबूती से खड़े हैं। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उसको हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमोशन की बात हो, जिसमें कई कदम उठाए गए हैं, आप सबको लाभ मिला है उसका और आगे मिलेगा। इसके साथ आवासन की समस्या और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हमारी नीति है इनमें भी काम कर रहे हैं हम लोग। अब हमारे बल की संख्या सरकार ने दुगनी कर दी है तो निश्चित रूप से आवासन की समस्या आने वाले समय में और जटिल हो, उसके तहत एक विधिवत आवासन नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे कर्मी पदाधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिवार बच्चे एक स्थान पर रह करके ठीक से पढ़ाई कर सकें, अपना जीवन जी सकें। अंजलि कॉचूर द हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन में पार्टी वियर लहंगा, खुद का डिजाइन लाए और स्पेशल लहंगा बनवाए। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, सेकंड फ्लोर, सगुना मोड, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।